and he's got a 5-4 now. मैदान बदले टीम बदली लेकिन अश्विन का जादू कायम रहा. What a good catch, that is reflex catch and slim it off. अश्विन जिस कंट्रोल के साथ अपनी गेंदों को फ्लाइट दे रहे थे उसे समझ पाना लंकाई बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ. गोल्ड टेस्ट के पहले दिन आर अश्विन को खेलना वाकई मुश्किल था. उनकी हर गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाजों का इम्तिहान ले And the slip fielder made no mistake. The perfect dismissal by the off spinner against the left-hander. Sri Lankai ballabazon ko Ashwin ko khelne mein itni mushkil hui ki unhone mehz 46 run dekar hi 6 wicket chhatak liye. Oh, there it is. What a reflex action catch. What a reflex action catch. ये लगातार दूसरा टेस्ट है जब अश्विन ने एक ही पारी में 5 विकेट चटकाए हैं. इससे पहले फतुल्ला टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन ने इकलौते टेस्ट की इकलौती पारी में 87 रन देकर 5 विकेट लिए थे. Taken stock of my own performance, been very critical of myself. I've raised a lot of questions. I've got very fruitful answers from both of them, which has actually enabled me to try and discover myself. I think nothing is a permanent feat in life, or nothing is somewhere you start stagnating. So you got to keep improving. So I look to keep improving every day. Bowled him 6 wickets for Ashwin. ऐसे में साफ है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पिचों पर आर अश्विन की गेंदबाजी पटरी पर लौट आई है. अश्विन ने इसके लिए काफी मेहनत की है. हकीकत यही है कि अश्विन ने अपने बेसिक्स पर काम किया है. यही वजह है कि चाहे वो फतुल्ला का मैदान हो या फिर बॉल का, अश्विन की गेंदों में स्पिन नजर आ रहा है. वो कंट्रोल के साथ साथ स्लाइड भी करा रहे हैं. इन दोनों पहलुओं का असर उनकी गेंदबाजी पर साफ दिख रहा है. हालांकि थोड़े समय पहले वो कैरम बॉल और ड्रिफ्टर जैसी दूसरी वैरायटी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे. इतना ही नहीं, वो कई बार अपने गेंदबाजी एक्शन और बॉलिंग रनअप के साथ प्रयोग भी कर चुके थे, लेकिन इन तमाम प्रयोगों ने उन्हें एक औसत दर्जे का गेंदबाज बना दिया था. यहाँ तक कि टीम में उनके बने रहने पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन सही वक्त पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और नतीजा सबके सामने है. श्रद्धा भगतवाल, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस. श्रद्धा, आप गेंदबाजों ने काफी कमाल किया, लेकिन अब बारी बल्लेबाजों की है काफी अच्छा करना है. शिखर धवन कहीं ना कहीं उस उम्मीद पर खरे उतरते नजर भी आ रहे हैं अभी तक. जयनामिका, गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से. आज जो गेंदबाजी हुई है, जिस तरीके से 183 पर श्रीलंका को समेटा, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी. साथ ही कप्तान कोहली की जो रणनीति थी और कोहली का जो फैसला था 5 गेंदबाज उतारने का, उसे भारतीय गेंदबाजों ने जो है पूरी तरीके से सही साबित किया. तारीफ करनी होगी आर अश्विन की, जिस तरीके से विकेट से जो टर्न मिल रहा था उसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया. और इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हालांकि निराशा जरूर हुई, क्योंकि 2 विकेट जल्दी ही गंवा दिया हमने. जिस तरीके से लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने फिर निराश किया, टेस्ट में बार बार रोहित शर्मा को मौके दिए जा रहे हैं क्योंकि कप्तान उन पर भरोसा करते हैं. न सिर्फ धोनी के कार्यकाल में जब धोनी टेस्ट कप्तान हुआ करते थे, अब कोहली की टेस्ट कप्तानी की कमान संभाली है, तो उन्होंने भी रोहित शर्मा पर ही ज्यादा भरोसा दिखाया. वो भी उस खिलाड़ी की कॉस्ट पे आपको मौका मिला है. चेतेश्वर पुजारा जो सिर्फ एक फॉर्मेट यहाँ पे खेलते हैं उनकी जगह पे आपको मौका मिला, लेकिन यहाँ पे भी रोहित शर्मा फ्लॉप साबित हुए. और टेस्ट में पिछली कुछ पारियों में भी रोहित का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्होंने निराश किया. लेकिन उसके बाद तीसरे विकेट के लिए जिस तरीके से कोहली और शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी दोनों की, खासकर शिखर धवन की जिस तरीके से उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया. और आप देखेंगे पिच के अकॉर्डिंग शिखर ने अपने गेम को भी काफी चेंज किया. अमूमन इस तरीके से शिखर धवन नहीं खेलते हैं. उनकी अर्धशतकीय पारी जो उन्होंने लगाई वो भी 90 गेंदों में आई है, तो शिखर ने अपने गेम को भी स्लो किया है उसके अकॉर्डिंग जैसी आपको जरूरत थी. This is through extra cover. That is his 100. Passing the man at extra cover. Shikhar Dhawan reaches his 4th test 100 with a boundary. कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन के बल्ले से निकले ये शानदार शतक कुछ कह रहे हैं जनाब. जी हाँ, ये कह रहे हैं लंका लुट के रहेगी. And 5 centuries in the last 6 test matches. बॉल में पहले दिन गेंदबाजों के गदर के बाद दूसरे दिन बल्लेबाजों ने कर दिया लंका का हाल बेहाल. गोल्ड टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने
श्रीलंका को 183 रनों पर समेटा। तो बल्लेबाजों ने भी गेंदबाजों की मेहनत को जाया नहीं जाने दिया। लंका को ऑल आउट करने के बाद भारतीय टीम पहले दिन बल्लेबाजी के लिए उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। लोकेश राहुल सस्ते में निपट गए, जबकि रोहित शर्मा टेस्ट में अपनी खराब फॉर्म से उबर नहीं पाए। दो विकेट जल्दी गिरने के बाद अब जिम्मेदारी संभालने आए खुद कप्तान कोहली। इसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली अंगद की तरह पिच पर जमे रहे। दूसरे दिन 128 रन पर दो विकेट से आगे खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पहले सेशन की शुरुआत काफी धीमे की और 72 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं आई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ विकेट को समझने में समय लिया बल्कि लंकाई स्पिनर्स रंगना हेरान और थरांडू कौशल का भी संयम से सामना किया। बस फिर क्या था, धवन और कोहली विकेट पर खड़े रहे तो रन भी खुद ब खुद बनते चले गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 227 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने शतक भी पूरे किए। पहले शिखर धवन ने अपने टेस्ट करियर में शतकों का चौका लगाया तो वही विराट जिम्मेदारी निभाते हुए कोहली ने लगा दिया करियर का 11वां शतक। That will bring up Virat Kohli's 100. That's his 11th 100, 8th away from home. Fourth as captain in 4 test matches and 5 centuries in the last 6 test matches. जाहिर है टीम इंडिया अपने शतक वीरों के दम पर एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। साथ ही कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कप्तान की जिम्मेदारी संभालते हुए उनका खेल और ज्यादा निखर जाता है। और शिखर धवन ने भी लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। श्रद्धा पकड़वाल के साथ स्पोर्ट टेस्ट समाचार कर Fourth as captain in 4 test matches and 5 centuries in the last 6 test matches. ये वो देश है जहां लोग क्रिकेट को जीते हैं। इस देश में क्रिकेट को जुनून से जोड़कर देखा जाता है और जब क्रिकेट का जुनून सवार हो तो बाकी सब पीछे छूट जाता है। हिंदुस्तान ने क्रिकेट को धर्म की शक्ल दी और आज समाचार प्लस लेकर आया है क्रिकेट की ऐसी ही कहानी जिसने करोड़ों दिलों को क्रिकेट का ऐसा बुखार दिया जिसकी गर्माहट आज भी महसूस की जा सकती है। प्राची, सबसे पहले मैं बच्चों के नजरिए से इस मैच को समझना चाहूंगी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल मुकाबला है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और इन्हें क्या लगता है कि टीम इंडिया को किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, सपोज आप धोनी हैं, आपको सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतरना है। अभी तक टीम बहुत अच्छा करती आई है लेकिन अब बहुत टफ कॉम्पिटिशन हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में खेलना है, तो क्या स्ट्रेटेजी आप चाहेंगे कि बीइंग अ धोनी आपकी रहेगी? सबसे पहले तो मिसफील्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादातर मैच डिपेंड होता है फील्डिंग के ऊपर, तो इस वजह से फील्डिंग बहुत टाइट होनी चाहिए। फिर और बैट्समैन को अपने आप से रन बनाने चाहिए और बॉलरों को बॉलिंग करनी चाहिए अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे टिप्स इन्होंने यहाँ पे दिए, यंगिस्तान के टिप्स हैं और टीम इंडिया के भी बहुत काम आने वाले हैं कि मिस फील्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े मुकाबले में हम उतर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर टीम ऑनर प्रीति जिंटा, शी इज देयर विद यू विद योर टीम सपोर्टिंग एवरी टाइम, शी इज अराउंड विद एवरी गेम विद यू गाइस, शी इज चीयरिंग फॉर यू, सो डू यू सी इट एज यू नो एडेड प्रेशर और इट्स अ काइंड ऑफ मोरल बूस्टर फॉर योर साइड? Definitely, she's been a great support to us. You know, the owners have been really good to us so far, and she actually, I think she needed to leave one of the games, and all the boys were saying, no, she must stay because we haven't lost too many games. While she's been there, we've been doing well. So, in saying that, then she stayed, and she's going to probably be here till the finals, hopefully, if we make the finals. So, she's been really good support to us so far. Okay, thank you so much for talking to us, and good luck for the rest of. Thank you very much. मौजूद है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह, जिनकी कप्तानी में एशियन गेम्स में टीम ने गोल्ड मेडल जीता। पहले सरदारा, आपको कांग्रेचुलेशन समझा। थैंक यू जी। और आपने अब जब से हॉकी करियर अपना स्टार्ट किया है नेशनल टीम में, क्या लगता है अब तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये? नहीं, देखिए मेरे करियर में काफ़ी अप एंड डाउन मैंने देखे हैं, लाइव की बेस्ट मोमेंट्स भी देखी है, जैसे मेरा नाम वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर थे जिनको मैं टीवी पे देखता था एकेडमी अपने जब मैं छोटा था, तो उनके साथ वर्ल्ड की जो वर्ल्ड लेवल टीम बनती है उनके साथ नाम आया। पर ये मैं कहूँगा कि एशियन गेम उनसे भी मैं कहूँगा कि
लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट है। तो ये थे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह, जिन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और कुछ जो फैसिलिटीज हैं जो भारतीय टीम को चाहिए अगर रियो की तैयारियों के लिए, वो इन्हें हॉकी इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है और टीम इस पर मिलजुल कर काम करेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ श्रद्धा बगडवाल, समाचार प्लस, नई दिल्ली। मेरे साथ मौजूद है स्टार रेसलर सुशील कुमार जी, जिनसे हम बात करेंगे जो एशियाई खेलों में एक भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन। मैं सबको बधाई दूंगा, आप लोगों को, पूरे देशवासियों को बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों की दुआएं चाहिए उनके लिए और बड़ा अच्छा प्रदर्शन सभी खिलाड़ी कर रहे हैं और बड़ा रेसलिंग में उभर कर आ रहे हैं। योगेश्वर को बधाई दूंगा, आप सबको बहुत बधाई दूंगा कि बड़ा अच्छा हमारा रेसलिंग का प्रदर्शन हो रहा है और अनदर स्पोर्ट्स हैं जो उनमें बहुत अच्छा हो रहा है कि सीमा अंतल ने कल गोल्ड जीता है और स्विमिंग में उन्होंने मेडल जीता है, तो मैं मानता हूं कि आने वाला टाइम ओलंपिक का बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे भारत के स्टार रेसलर सुशील कुमार, जिनका कहना है कि एशियन गेम्स में जो है मेडल टैली वो अभी और बढ़ेगी और भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन पे ये काफी संतुष्ट है इससे। कैमरामैन दुष्यंत राणा के साथ श्रद्धा बगडवाल, नई दिल्ली।